दोस्तों नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और स्वागत है आपका हमारे ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। दोस्तों आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में सुना है बट लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि वास्तु कुछ रिलीजन्स के लिए है, कुछ लोगों को लगता है कि वास्तु सिर्फ पुराने लोगों में या पुराने ज़माने में प्रैक्टिस किया जाता था। लेकिन हम ये सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर करेंगे हमारे इस नए शो में जिसका नाम है वास्तु विद पल्लवी छलावरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्ते टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और मैं करता हूं आपका तहे दिल से स्वागत, और साथ में स्वागत करता हूं ऑफ आवर वेरी ओन और मास्टर वास्तु कंसल्टेंट एंड फेंग शुई एक्सपर्ट पल्लवी छलावरा जी का। पल्लवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया पल्लवी जी। हम बात करते हैं आज सिर्फ वास्तुशास्त्र के बारे में, द ओरिजिन ऑफ दिस साइंस, वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। जैसे लोग, एक आम जनता, उनके दिल में जो प्रश्न आते हैं, मैं वो प्रश्न आप तक लेके आना चाहता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हमारा ये शो देख रहे हैं जिनको वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं पता, लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है, पीपल नो अबाउट यू नो द डिफरेंट अदर साइंसेज विच आर देयर, एस्ट्रोलॉजी, ज़ोडियक साइंस, न्यूमरोलॉजी, लेकिन वास्तुशास्त्र क्या है, व्हाट इज इट? बहुत सारे लोग आज जो इस शो देख कर जब उठेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वास्तुशास्त्र क्या है। तो शुरू करते हैं, आप हमें बताइए वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र को कई बार ऐसा माना जाता है कि इट्स नॉट जस्ट रिलीजियस सब्जेक्ट, इट्स अ साइंस। सो मैं ये कहूँगी कि वास्तु साइंस और मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ विषय है। एस्ट्रोलॉजी और बाकी सब विषयों से ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बात प्लेनेटरी मूवमेंट के बारे में की जाती है, ग्रहों के बारे में की जाती है, लेकिन हर तरह के प्लेनेट और ग्रह की इफेक्ट आखिरकार किस पे आती है? ह्यूमन बीइंग पे, अर्थ पे। तो अर्थ के जो भी मोशन है, जो प्लेनेटरी मूवमेंट का जो साइंस है और जो ग्रेविटेशन फोर्स की मूवमेंट के बारे में लोग जो जानते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, उसके अनुसार आसपास के बदलाव का, हर तरह के प्लेनेटरी मूवमेंट का हमारे बॉडी के सोलर सिस्टम पे उसका इफेक्ट आता है। इस पूरे अर्थ के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, पशु पंखी बने हुए हैं, इंसान बने हुए हैं, उसके अंदर रहने वाली एनर्जी आसपास की हर तरह की मूवमेंट के साथ एवरीडे टकराती है। तो किसी भी इंसान के ऊपर, चाहे वो किसी भी रिलीजन का बना हुआ हो, किसी भी कंट्री का रहने वाला क्यों ना हो, वास्तु जो है वो यूनिवर्सल लॉ का सब्जेक्ट है। इट्स बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट, वाटर, फायर, अर्थ, एयर, वुड। जो 5 एलिमेंट का बना हुआ इंसान का शरीर है, वो किसी भी रिलीजन में वो बिलीव करता हो, किसी भी कंट्री में रहता हो, वो पृथ्वी के ग्रह के बाहर नहीं है। तो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से वास्तु के नियम ऑल ओवर वर्ल्ड के हर कॉर्नर में हर रिलीजन के लोगों के ऊपर इक्वली दाखिल होते हैं, उसके ऊपर उसका इफेक्ट दिखाई देता है। रिलीजियस कहानी है क्योंकि वेदों के साथ इसकी शुरुआत है, उसको मैं बहुत ही कम अल्फाज में कहना चाहूँगी। वेदों के अनुसार हमारे वेदों में हर चीज़ का एक दृष्टांत दिया जाता है। उसके हिसाब से शंकर भगवान जब युद्ध कर रहे थे तो उनके सर से एक पसीना पृथ्वी पे गिरा। युद्ध के वक्त आदमी क्रोधित होता है, उनके पसीने से पृथ्वी के ऊपर एक महाकाय विकराल राक्षस या एक चेहरा बना जिसको हम समझते हैं वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष सबको डिस्ट्रॉय कर रहा था क्योंकि उसको खाना था, वो भूखा था, तो वो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर रहा था। तो देवों को उससे डर लग गया कि ऐसे ही चलता रहा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो सारे देव उसके ऊपर आके बैठ गए और उसको ज़मीन में उल्टे मुंह डाल दिया। उल्टे मुंह डालने के बाद उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे सब देव बैठ गए क्योंकि सारे देव मिलके एक इंसान को, अगर एक राक्षस को कंट्रोल कर सकते थे, उसका नाम था वास्तु पुरुष, वो इतना ताकतवर था। उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल था क्योंकि वो शिव का पुत्र था। तो सबने भगवान शिव की आराधना की कि प्रभु ये क्या हो गया, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और उस वास्तु पुरुष ने भगवान शंकर की आराधना की कि मेरी क्या गलती है, आपने मुझे जन्म दिया, अब मैं भूखा हूँ, मुझे अपनी भूख को तृप्त करना है, खाना तो पड़ेगा। तो शंकर भगवान ने कहा कि आप पृथ्वी पर पैदा हुए हो, मेरे बेटे हो, आज से आपका नाम पड़ता है वास्तु पुरुष। जो लोग वास्तुशास्त्र के नियम का, प्रिंसिपल का पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। दैट्स आशीर्वाद फ्रॉम शिव जी।
आप उसको नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो वास्तु की उल्लंघना करते हैं, जो उसको इग्नोर करते हैं, जो उसको अवॉइड करते हैं, आप उसको खा सकते हो। वहाँ से कहानी शुरू हुई मैथोलॉजिकल। बड़ी ये बात मैथोलॉजिकल है, साइंटिफिकल ऐसा नहीं है। साइंटिफिकल ये है कि हर इंसान वास्तु पुरुष है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। उस घर में चलाने वाला ब्रेड विनर, चाहे वो सिंगल वूमन हो या फिर पूरे परिवार के साथ उसका ब्रेड विनर हो, फादर हो बेटा हो, वो उस घर का वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष का मतलब होता है साइंटिफिकली अल्फाज में, हमारे शरीर की जो रचना है, ये सर हमारा नॉर्थ पोल है, पैर हमारे साउथ पोल है, और पृथ्वी का जो ग्लोब बना हुआ है उसको जब भी आप गूगल पे डालते हो, उसका टॉप एरिया इट्स कॉल्ड नॉर्थ पोल, उसका जो डाउन वाला एरिया है इट्स कॉल्ड साउथ। तो नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स है, साउथ में जियोपथिक एनर्जी है, ईस्ट में नेचुरल एनर्जी है। सूरज कभी निकलता नहीं है, पृथ्वी सूरज के सामने जाती है, तो वहाँ से उस वक्त जो एनर्जी, जो ऊर्जा मिलती है, इट्स कॉल्ड नेचुरल एनर्जी, लाइव एनर्जी। और वेस्ट में मेटल एनर्जी है, चार दिशाएं हैं, इट्स कॉल्ड कार्डिनल। और वास्तु पुरुष का जो स्ट्रक्चर है, इट्स फॉर सब कार्डिनल। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर है, क्योंकि नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स है, ईस्ट में नेचुरल एनर्जी है, तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी सुप्रीम पावर की दिशा है जिसमें कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है दो पावरफुल डायरेक्शन को मिलने से। साउथ ईस्ट के अंदर उसका राइट हैंड माना जाता है, नॉर्थ वेस्ट में उसका लेफ्ट हैंड माना जाता है, साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष के दोनों पैर माने जाते हैं। यानी कि एक इंसान की आकृति है, इंसान आप खुद हो। इस पृथ्वी के अंदर वास्तु पुरुष आदमी खुद है, और जिस घर के बिल्डिंग में वो रहता है उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को, जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 ग्रह के प्लेनेट को डिवाइड किए जाते हैं, सेम थिंग फॉर घरों के अंदर 8 डायरेक्शन के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है, और जो उसका सेंटर पार्ट है इट्स कॉल्ड ब्रह्मस्थान, सेंटर पॉइंट। और उसी के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि नॉर्थ पोल के साथ मिक्स एलिमेंट, सपोर्टिंग एलिमेंट को रखने से उस दशा के घर में उसका आपको बेनिफिट मिलता है, साउथ के अंदर साउथ के सपोर्टिंग एलिमेंट को रखने से उसका फायदा होता है, और डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट को रखने से उसका नुकसान होता है। इसीलिए जब कभी भी आप लाइफ में अपना घर और बिजनेस बदलते हो, हर नए घर में एक नया अनुभव होता है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी राशि को बनाने के साथ उसकी एस्ट्रोलॉजिकल साइन कैसे बनती है, बर्थ का टाइम, बर्थ का प्लेस, उसी के हिसाब से उसके एस्ट्रोलॉजिकल साइन बनती है। तो किसी भी कर्म फल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको ज़मीन के बिना आगे बढ़ना आवश्यक ही नहीं है। तो किसी भी एक जगह पे पहुंच के आपकी शादी होती है, किसी एक लोकेशन पे आप पैदा होते हो और आपका भाग्य बनता है, और किसी एक लोकेशन पे आपकी मृत्यु होती है, वहाँ से शुरुआत होती है वास्तुशास्त्र की। तो पल्लवी जी, जैसे आपने इतने बाखूबी एक्सप्लेनेशन दिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वास्तुशास्त्र बेस्ड ऑन माइथोलॉजी and how Vastushastra is also related to the scientific advanced aspect science. Like, you know, about the five elements, jis tarah every human body has these five elements in it. A lot of people, including me, would like to ask you, what is Feng Shui? The origination of Feng Shui, aur kya Feng Shui aur Vastushastra mein similarities, differences, kya hai, you know? Feng Shui ka matlab hota hai hawa aur pani ka shastra. Okay. और वास्तु शास्त्र का मतलब होता है फाइव एलिमेंट्स का शास्त्र। वास्तु 5000 साल पुराना है, फेंग शुई 3500 साल पुराना है। वास्तु शास्त्र के जो ऋषि मुनि जिन्होंने वास्तु को लिखा उसका नाम है विश्वकर्मा, और फेंग शुई की जिसने शुरुआत की है उसका नाम है लोशु। लोशु नदी के किनारे एक फुशी नामक ऋषि बैठा करते थे, और वो हमेशा लोगों के अच्छे के बारे में सोचते थे कि लाइफ में बहुत तरह की परेशानी है, बिजनेस में, रेसिडेंस में, रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में, हेल्थ वाइज, क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को किया जाए ताकि आम आदमी की लाइफ बहुत आसानी से और अच्छे से बने। इसीलिए वो हमेशा चिंतित रहते थे, और उसी वक्त उन्होंने उस लोशु नदी के किनारे एक कछुए को पानी से निकलते हुए दिखा। बड़ा मिरेकल दृश्य उन्होंने उस वक्त देखा। वो जब कछुआ बाहर आ रहा था उसके ऊपर एक तरह का कैलकुलेशन उन्होंने देखा। वो कैलकुलेशन को हर एंगल से अगर हम हिसाब बनाते हैं तो उसका टोटल बनता था 15। उसको बोलते हैं लोशु चार्ट, क्योंकि वो लोशु नदी के किनारे से निकला उस कछुआ, इसीलिए उसका नाम बना लोशु चार्ट। और वो कैलकुलेशन के बेस पे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जब होती है
तो उसमें अलग अलग दिशाओं में जिस चीज़ की सजावट की जाती है, जो कलर सप्लाई किए जाते हैं, बिल्डिंग बनाया जाता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में 9 कैलकुलेशन के हिसाब से हॉरोस्कोप बनते हैं, वैसा ही उस लोशु कैलकुलेशन के हिसाब से फंगशुई की शुरुआत हुई। फंगशुई का मतलब होता है हवा और पानी का शास्त्र, और वास्तु का मतलब होता है 5 एलिमेंट्स का शास्त्र, जिसमें वाटर, वुड, फायर, अर्थ, एयर, पंच तत्वों का शामिल किया जाता है। इंसान का शरीर 5 एलिमेंट से बना है। पृथ्वी का पूरा यूनिवर्सल जो उसका लॉजिक है वो 5 एलिमेंट्स उसके बेसिक फंडामेंटल लॉ के साथ है। उसी तरीके से फंगशुई के अंदर भी सेम फंडामेंटल लॉ है। वास्तु 5000 साल पुराना है। उस वक्त कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर एक घर होता था, बहुत दूर के बाद दूसरा घर होता था। फंगशुई की शुरुआत होने के साथ हाई राइज बिल्डिंग आ गए। सारे वास्तु के नियमों को फंगशुई के अंदर उसी एडवांस टेक्नोलॉजी में, उसी एडवांस प्रिंसिपल के साथ रखे गए हैं, और दोनों का, वास्तु और फंगशुई दोनों का एप्लीकेशन हर आम आदमी के लिए बहुत ही आसानी से अपने घर और बिजनेस में वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। So ladies and gentlemen, that was a very good explanation on the similarities of Vastu Shastra and Feng Shui, the origins of Vastu Shastra and Feng Shui. Jaise aapne dekha ki Feng Shui ki origin 3500 years pehle hui aur Vastu Shastra ki 5000 years pehle, but they all are based on the same logic and the same science. So after this break, we'll talk about something which is more interesting, that can one man's food be another man's poison? In simple words, that one direction is lucky for one person, but that same direction can be unlucky for another person. Well, we'll get the answer right after the break, so stay tuned. Kahin jayega mat. We'll be right back. Home is where the heart is. Let your home bring you peace, prosperity and wealth. I am Pallavi Chhillavada, your Vastu Feng Shui consultant. Using decoration, colors and easy Vastu principles, your home will be blissful. Call us today for a brighter tomorrow. Ek raah aur sahi disha jo zindagi badal de. Welcome back. You're watching Vastu Living with Pallavi. I'm your host Monty, aur hamare saath hai Pallavi Chhillavada ji. Break mein jaane se pehle, we have a very, very interesting question lined up for you. Is one man's food another man's poison? We're going to relate that in the sense of direction. So Pallavi ji, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक दिशा एक इंसान के लिए अच्छी होती है, one direction is lucky for someone, but that same direction is unlucky for another person. ये लॉजिक क्या है? सबसे पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज तक किसी का भी हॉरोस्कोप किसी के साथ मैच नहीं करता है। ये एक यूनिक बात है, और जैसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर आदमी के लिए कुछ ग्रह पावरफुल होते हैं, और वही प्लेनेट, वही ग्रह किसी दूसरे आदमी के लिए नुकसानदेह होते हैं। किसी का राहु अच्छा होता है तो किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, किसी का केतु अच्छा होता है तो किसी के लिए वो उससे वहाँ से परेशानी होती है। सेम थिंग फॉर मेडिकल साइंस। अगर किसी का मेडिकल रिपोर्ट निकालते हैं तो हर एक का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, हर एक के वाइटामिन्स डिफरेंट्स होते हैं, हर एक के मेडिकल साइंस के हिसाब से जो भी रिपोर्ट्स बनते हैं उसमें उसके प्लस माइनस बॉडी के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। सेम थिंग फॉर वास्तु शास्त्र। वास्तु में आदमी की नाम और डेट ऑफ बर्थ के बेस पे ये तय किया जाता है, जिसमें उसका नाम भी यूज़ होता है, तो उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर यह तय किया जाता है कि इनके हिसाब से क्या डायरेक्शन अच्छी है। और अगर हम आयुर्वेदिक की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वास्तु इज़ मोर कनेक्टेड विद आयुर्वेदा। वास्तु शास्त्र और आयुर्वेदिक ज़्यादातर एक ही तरह के वेद ग्रंथों के साथ कनेक्टेड हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार हर आदमी की प्रकृति, उसका नेचर अलग अलग होता है। तो वैसी प्रकृति के लोग जब ज़्यादातर पित्त के बनी हुई चीज़, ज़्यादा फायर की चीज़ या ज़्यादा स्पाइसी चीज़ को खाते हैं, तो उनको तुरंत ही पित्त से रिलेटेड चीज़ों के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। क्योंकि दे आर ऑलरेडी फायर एलिमेंट, दे आर ऑलरेडी फायर प्रकृति के बेस है। जो लोग वायु प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे ज़्यादा पेट में गैस बन जाता है या प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसे लोगों को आगे चलने के बाद ऐसे आहार से, ऐसे खाने पीने से परेशानियाँ होती है। हर आदमी के एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, उसी के हिसाब से उसका नेचर बनता है।
और उसी के हिसाब से उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन को डिफाइन किया जाता है। तो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, वो हमारा लॉजिकली उसका कैलकुलेशन बेस होता है। और हर आदमी के लिए अलग अलग दिशाएं फ़ायदेमंद होती है और हर आदमी के लिए कुछ दिशाएं ज़रूर नुकसानदेह होती है। ये बात वास्तु कंसल्टेंट के लिए भी होती है। ज़्यादातर इंडिया में सोचते हैं कि नॉर्थ बहुत सब अच्छी डायरेक्शन है, ईस्ट बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे सूरज निकलता है, लेकिन ये बातें वास्तुशास्त्र के नियमों में कंपेरेटिव टू अदर डायरेक्शन उसका रोल क्या है उसके बेस पे की जाती है। जब बात व्यक्तिगत तौर पे होती है तो हस्बैंड, वाइफ और बच्चों के हिसाब से एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। पति पत्नी के हिसाब से, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से उस दिशा को देखा जाता है। अगर वो सिंगल वूमन है तो उसकी नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाता है। तो हर आदमी के लिए अलग अलग दिशाएं फ़ायदेमंद होती है और कुछ डायरेक्शन को हाथ लगाने से या ऐसे बेस बिजनेस या रेजिडेंशियल चीज़ों को खरीदने या रेंट करने से उसको ज़रूर नुकसान होता है। तो पल्लवी जी, जैसे आपने कहा कि फैमिली, व्हेन यू मेंशन अबाउट फैमिली, तो जैसे अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके बेसिस पर डायरेक्शन आप बेस करें? उस घर के अंदर रहने वाले ब्रेड विनर के हिसाब से। घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका रूम उनको दिया जाता है, उनके एजुकेशन के लिए उनकी सिटिंग पोजीशन, उनके लिए कमरों का डेकोर, उनके बेडरूम की साथ सजावट उसके हिसाब से की जाती है। लेकिन उस घर का जो भी ब्रेड विनर होता है, वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ दोनों हो, तो उनको ध्यान में रखकर उस घर का दरवाज़ा वैसे बनाया जाता है। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मैं टेक्सास में एक घर बना रही थी, वहाँ पर बहुत ही खास लेवल पे घर बनता था, तो बेटे और फादर की डायरेक्शन डिफरेंट थी, तो उन्होंने अभी से ऐसा घर बनाया कि इन फ्यूचर में जब वो लड़का घर का ब्रेडविनर हो या ओनर हो तो दोनों को वही बना हुआ घर सूट करे। तो कई बार लोगों की अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो भी वास्तु एक आर्ट है, दोनों को मिलाती हुई दिशा का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हमारे दर्शक जो ये शो देख रहे हैं और जैसे उनको मन में अगर काफ़ी सवाल हो, तो वो अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने नाम बताएं तो आप उनको बेसिकली ये बता सकती हैं कि उनके लिए कौन से डायरेक्शन शुभ हैं या कौन से डायरेक्शन में उनको अपने घर की प्लानिंग करनी चाहिए। जी, हर आदमी के लिए उनकी नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कॉम्बिनेशन के हिसाब से दिशाओं के बारे में कंसल्टिंग के दौरान सजेशन दिया जाता है और उसी के हिसाब से व्यक्ति की पर्सनालिटी के हिसाब से उसका नेचर ऑफ बिजनेस भी सजेस्ट किया जाता है कि उनके लिए किस तरह के बिजनेस अच्छे माने जाएंगे। Well, ladies and gentlemen, we've come to the end of this episode. लेकिन इस एपिसोड में आपने बहुत सारी चीज़ें जानी, the emergence of Vastu Shastra, how it's related to mythology, and also the difference between Vastu Shastra and Feng Shui. A lot of misconceptions have been cleared. और जैसे पल्लवी जी ने बड़ी खूबी से बताया कि एक direction किसी के लिए lucky हो सकता है और वही direction किसी के लिए unlucky भी हो सकता है. So this is your chance. You can go on our website at pallavichalawra.com और जान सकते हो कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन शुभ है और कौन सा बिजनेस आपके लिए बेटर, और बहुत सारे सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, यू कैन डू दैट बाय गोइंग ऑन www.pallavichalawra.com। वैसे हमारे पास वक्त बहुत कम है, बट वी विल लीव यू विद अ प्रॉमिस टू बी बैक नेक्स्ट वीक विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विद अ वेरी ओन पल्लवी छलावरा जी। टिल देन, जाने से पहले मैं और पल्लवी जी आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। टिल देन, टेक केयर, स्टे वार्म, गुड बाय, गॉड ब्लेस।